हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं भजिए वाली कढ़ी। आप इसे पकौड़े वाली कढ़ी भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसे भजिए वाली कढ़ी कहा जाता है। गाइस, ये जो दही की भजिए वाली कढ़ी बनती है, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है और उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी भी होती है। तो इस रेसिपी को बनाने के बाद आप कढ़ी के फैन हो जाएंगे गाइस। तो इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा गाइस। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस, दही की कढ़ी में विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और ये शरीर के फंक्शंस और ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ इसमें प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है और फास्फोरस भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और कढ़ी में आयरन और प्रोटीन की मात्रा भी भरपूर होती है, तो इसे अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें गाइस। और ये जो भजिए वाली कढ़ी है बहुत ही शानदार लगती है। और साथ ही साथ मैं पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि आपने भजिए कैसे बनाने हैं या फिर आपने कढ़ी कैसे बनानी है, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करूंगी। तो आगे आप वीडियो पूरा देखिएगा गाइस। तो तैयार हैं आप सब हेल्दी एंड टेस्टी कढ़ी की रेसिपी के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। हेल्दी एंड टेस्टी कढ़ी बनाने के लिए हमने लेना है ग्राइंडिंग जार। ग्राइंडिंग जार में हम डालेंगे 1 कप दही। यदि आपको कढ़ी खट्टी पसंद है तो आप जो है खट्टा दही ले सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्रेश दही का यूज़ कर रही हूँ। तो 1 कप दही जो है वो हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। आप चाहें तो दही की जगह मठे का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दही से कढ़ी बना रही हूँ आज। अब बारी आती है इसमें बेसन डालने की। यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 कप बेसन। ध्यान रखिएगा, इस 1 कप दही 1/2 कप बेसन हमने लेना है। और बेसन जो है वो बारीक वाला बेसन लेना है गाइस, मोटा बेसन नहीं लेना है। और बेसन डालने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे पानी। यहाँ पे हम डाल देंगे 1/2 कप पानी गाइस। बेसिकली क्या होता है, जब हम कढ़ी बनाते हैं तो दही और बेसन को फेटा जाता है अच्छी तरह से, लेकिन यदि हम ये प्रोसेस जो है वो ग्राइंडिंग जार में कर लेंगे तो ये प्रोसेस जो है वो आसान हो जाएगा। तो इसलिए आज हम इस प्रोसेस को ग्राइंडिंग जार में करेंगे। तो दही और बेसन को हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, लगभग 30 सेकंड तक हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमने दही और बेसन को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का जो है हमारा बैटर बन के तैयार हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, हमारा काम भी आसान हो गया और मिनटों में दही और बेसन को हमने ग्राइंड कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्राइंड करके अपना काम आसान कर सकते हैं। तो हमारा काम भी आसान हो गया गाइस। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा बैटर जो है वो तैयार है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम लगाएंगे तड़का और बनाएंगे कढ़ी। कढ़ी बनाने के लिए मैं यहाँ कढ़ाई ले रही हूँ और कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा गाइस, हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तेल जो है वो हल्का सा गर्म हो गया है, तो इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ राई। तो 1 चम्मच के करीब हम यहाँ पे राई डाल देंगे। साथ ही साथ 1/2 चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे मेथी दाना। मेथी दाना ज़रूर डालिएगा गाइस। साथ ही साथ 1/2 छोटी चम्मच हम सौंफ डाल रहे हैं। साथ ही साथ इसमें जाएगा करी पत्ता। करी पत्ता जो है मेरे पास ड्राई रखा हुआ है, लॉकडाउन है इसलिए मैं ड्राई यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा तड़का जो है वो तैयार हो जाएगा, हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद हमने ये जो दही और बेसन का बैटर तैयार करके रखा है, ये बैटर हम इसमें डाल देंगे। हमने फ्लेम इसलिए ऑफ़ किया है, यदि फ्लेम जो है वो ऑन रहता तो क्या होता, ये जो हमारा बैटर है वो नीचे कढ़ाई में चिपक जाता और हमारी कढ़ी फिर अच्छी नहीं बन पाती। इस वजह से हमने फ्लेम को यहाँ पर ऑफ़ कर दिया है। तो थोड़ा सा जो पानी है वो मैंने जार के अंदर डाल के फिर इसमें डाला है, और अगेन हम इसमें सारा पानी और डाल देंगे। तो टोटल मैंने इसमें जो पानी डाला है वो लगभग 1 लीटर पानी डाला है। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और लो मीडियम कर देंगे। शुरुआत में आप कढ़ी को चलाते रहें। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं, जैसे सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच के करीब हल्दी। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ डाल रही हूँ नमक। तो जो नमक डालना है वो आपने डालना है 1 चम्मच या फिर लगभग 5 से 6 ग्राम आपने नमक डालना है। मिक्स कर देंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे और जब तक कढ़ी में अच्छा सा बॉईल आना शुरू नहीं हो जाता, हम कढ़ी को चलाते रहेंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, कढ़ी में बॉयल आना शुरू हो गया है। मैं फ्लेम को मीडियम लो कर दूंगी। गाइस, हमने कढ़ी को चलाते रहना है और इसे 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह से मीडियम लो फ्लेम पर हमने बॉयल कर लेना है। तो जब तक हमारी कढ़ी बॉयल हो रही है, हम बना लेते हैं कढ़ी के लिए भजिए। भजिए बनाने के लिए हमने सिंपली इस तरह का मीडियम साइज का बाउल लेना है और इसमें हम डालेंगे 1 कप बेसन। हमारे यहाँ कढ़ी में भजिए सबको बहुत पसंद होते हैं, इसलिए मैं भजिए थोड़े ज़्यादा बनाती हूँ। आप चाहें तो कढ़ी में भजिए कम डाल सकते हैं और यहाँ पे बेसन जो है वो कम ले सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप दही। दही डालने से जो भजिए हैं वो बहुत टेस्टी बनते हैं, फ्लफ़ी बनते हैं। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 1/4 कप दही। साथ ही साथ हम डालेंगे यहाँ पे नमक, तो आधी चम्मच हम यहाँ पे नमक डाल देंगे। और ग्राम्स में देखेंगे तो 2 से 3 ग्राम्स के लगभग मैंने यहाँ पे नमक डाला है। साथ ही साथ हम डालेंगे पानी और इसका एक अच्छा सा स्मूथ बैटर बना के तैयार करेंगे। शुरुआत में आपने पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसे फेंटना है। इसे हम अच्छी तरह से 5 मिनट तक फेंट लेंगे गाइस। जितना अच्छा आप इसे फेंटेंगे, भजिए जो है वो उतने ही अच्छे बनेंगे और उतने ही फूले फूले बनेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसे फेंटते रहें 5 मिनट तक। इससे क्या होगा, हमारे भजिए जो है वो अच्छी तरह से फूल जाएंगे और बहुत ही शानदार भजिए बन के तैयार होंगे। तो इसे हमने अच्छी तरह से फेंटना है गाइस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, मैंने 1/2 कप पानी लिया था और इसमें से थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। 5 मिनट बाद जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, हमारा ये जो बैटर है वो हल्का हो गया है, फ्लफी हो गया है। अच्छी तरह से मैंने इसे फेंट लिया है गाइस। अब हम इसे इससे ज़्यादा नहीं फेंटेंगे, हमारा बैटर जो है वो बन के तैयार है। अब हम चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में, और फ्राई करने के लिए मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है गाइस। तो ये जो हमने बेसन का घोल बना के रखा है ना भजिए के लिए, इसमें हमने एक इंग्रेडिएंट और डालना है। हमने डालना है थोड़ा सा सोडा। मैं यहाँ पे 2 चुटकी सोडा डाल दूंगी। जो खाने वाला सोडा होता है ना, वही हम इसमें डालेंगे। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे गाइस। अब आप देख सकते हैं इस बैटर की कंसिस्टेंसी, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है गाइस। तो कुछ इस तरह की भजिए के लिए हमने कंसिस्टेंसी रखनी होती है। तो तेल जो है वो गर्म हो चुका है और हमारा बैटर भी तैयार है। और अब हम बना लेते हैं फटाफट से भजिए। तो मैं यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे भजिए बना के तैयार कर लूँगी। मैं यहाँ पे हाथ से ही भजिए डाल रही हूँ, आप चाहें तो चम्मच का यूज़ भी कर सकते हैं। फ्लेम को हम रखेंगे मीडियम हाई। पलटते रहेंगे और गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, हमारे भजिए जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा हमने गोल्डन नहीं करना होता है, कुछ इस तरीके से हमने भजिए को फ्राई करना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब इतने गोल्डन हो जाएं तब हम भजिए को कढ़ाई में से निकाल लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, इसी तरह से मैंने सारे भजिए बना के तैयार कर लिए हैं। एक भजिया मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, कितनी अच्छी जालियाँ आई हैं भजिए के अंदर। बहुत ही शानदार भजिए बनते हैं गाइस, तो आप एक बार इन्हें ज़रूर बनाइएगा। हमारे भजिए तो रेडी हैं, अब हम चलते हैं कढ़ी के पास। कढ़ी का क्या हाल है देखते हैं। तो कढ़ी जो है वो हमारी अच्छी तरह से बॉयल हो रही है गाइस। इसे बॉयल होते होते लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और अब बारी आती है इसमें भजिए डालने की।
तो हम यहाँ पे सारे के सारे भजिए जो हैं वो डाल देंगे। तो अब हम इसमें सारे के सारे भजिए डाल देंगे और भजिए डालने के बाद हम इसे 5 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे। जैसे ही भजिए डालने के बाद मीडियम लो फ्लेम पर 5 मिनट तक कढ़ी जो है वो बॉईल हो जाएगी, हमारी कढ़ी जो है रेडी हो जाएगी। तो इस कढ़ी को आप सर्व कर सकते हैं चावल के साथ, रोटी के साथ। ये कढ़ी गाइस चावल के साथ भी बहुत ही शानदार टेस्ट देती है, तो आप एक बार इसे ट्राई कीजिएगा चावल के साथ। गाइस गाइस ये जो कढ़ी की रेसिपी है वो डायबिटिक लोगों के लिए भी बहुत ही शानदार रेसिपी है, क्योंकि कढ़ी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए डायबिटिक लोग भी इसे इजीली ले सकते हैं। तो ये कढ़ी जितनी हेल्दी है उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी भी है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 5 मिनट हो गए गाइस, कढ़ी अच्छी तरह से बॉयल हो गई है, हमारी भजिए वाली कढ़ी जो है वो बिल्कुल तैयार है। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस हमारे भजिए जो है वो सुपर सॉफ्ट बने हैं और कढ़ी का जो टेक्सचर है वो बहुत ही क्रीमी है। बेसिकली इसे इंडियन सूप भी कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रेसिपी जो है वो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं हम ऐसे ही शानदार शानदार रेसिपीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आई एम शिवानी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।